Hello student, welcome again to our ITJ Mains 2020 video lecture series. So guys, इस video lecture की series में अपन ITJ Mains 2020 में जो भी question पूछे गए हैं उनके solutions और analysis को अपन express करने वाले हैं. So guys, ये वाला जो question है ये chemistry के inorganic part के chemical bonding chapter से hybridization topic से पूछा गया है. So इस question में बोला गया है, the ion that has sp3d2 hybridization for the central atom is, और चार अपने को आयंस दिए गए हैं. मतलब इस क्वेश्चन में अपने को बताना है इन चारों आयन में से सेंट्रल एटम का जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा वो अपने को सिलेक्ट करना है. और गाइज ये सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आंसर सही होगा और सही आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर पे -1 होगा. सो गाइज इसको सोल्व करने के लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है और हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए इनका अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. जब अपन लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तब अपने को सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर पता लग जाएगा और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर पता लगते ही अपन दोनों का ऐड करेंगे और वो बन जाएगा अपना स्टेरिक नंबर. और अगर स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर 3 हुआ तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3 होगा. दैट मीन्स अपन ट्राई करते हैं जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनके लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की, ताकि अपने को उसका एट द एंड स्टेरिक नंबर पता लग जाए. सो गाइस जो पहला आयन है वो BrF2- है, इसके लुईस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए ब्रोमीन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा साइज का है वो ब्रोमीन है और ब्रोमीन एक हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपन एक्सप्रेस कर दिया और इसके ऊपर एक -1 का साइन है, माइनस का साइन है, दैट मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपन ब्रोमीन को दे देते हैं. और इससे ब्रोमीन से 2 फ्लोरीन बॉन्डेड हैं, एक फ्लोरीन अपन ने इधर बॉन्ड बना दिया, एक फ्लोरीन अपन ने इधर बॉन्ड बना दिया, क्योंकि अपने को पता है कि फ्लोरीन यानी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, राइट. सो अपने को पता चला यहाँ पे 1 और 2 बॉन्ड पेयर का जो नंबर है वो हो गया 2 और लोन पेयर हो गए 1, 2 एंड 3. सो यहाँ पे जो लोन पेयर हो गया वो हो गया 3 और इनको जब अपन ऐड करेंगे तो इसका स्टेरिक नंबर आएगा 5. और जैसे कि अपने को पता है कि अगर स्टेरिक नंबर 5 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, मतलब ए अपना आंसर नहीं हो पाएगा. उसके बाद अपन चेक करते हैं अपना जो डी ऑप्शन है वो ICl2- है. ये जो ICl2- है ये अपने BrF2 जैसा ही है, BrF2- जैसा ही है सेम, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना चाहिए जो अपन ने पता लगाया sp3d. सो अपन गाइस 2 कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता लग गए. इसके बाद में अपन ICl4- के लिए चेक करेंगे, इसका सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, इस आयोडीन एक हैलोजन कंपाउंड हैलोजन एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके ऊपर एक -1 का साइन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसको दे देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन से 4 क्लोरीन बॉन्ड बना लेंगे. सो अपने पास जो बॉन्ड पेयर हो गए उसका नंबर हो गया 4, 1, 2, 3, 4 और ये दोनों लोन पेयर बच जाएंगे. सो इसके जो लोन पेयर हो जाएंगे वो 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा स्टेरिक नंबर, उसकी वैल्यू आएगी 6. और अपने को पता है कि जब 6 स्टेरिक नंबर होता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. सो गाइस अपना आंसर तो आ चुका है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को पूछा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रहा है. इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने चेक किया sp3d, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. सो गाइस आंसर तो अपना आ चुका है क्योंकि सिंगल चॉइस आंसर है. इसका सी ऑप्शन भी अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज IF6-. सो इसका सेंट्रल एटम होगा आयोडीन और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा और यहाँ से 6 फ्लोरीन ने बॉन्डिंग कर ली है, 4 फ्लोरीन 5 एंड 6. सो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर का नंबर हो गया वो कितना हो जाएगा 6 और एक लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर हो गया, तो इसका स्टेरिक नंबर हुआ 6+1 7 और अगर 7 स्टेरिक नंबर होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3. तो अपना जो सी ऑप्शन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3. सो गाइस अपन देख सकते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा. सो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर हमारा एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो गाइस आईटीजी मेंस 2020 में और क्वेश्चन के अगर आपको सॉल्यूशन देखने हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएं, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे हर एक क्वेश्चन के। सो गाइस दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।